पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक मंडी में आयोजित की गई। एसोसिएशन के सदर इकाई के अध्यक्ष रेवती शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। बैठक के दौरान पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्याओं का निपटारा करने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर से आग्रह किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों का उन्हें बैठक में बुलाने के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगी और एसोसिएशन की जायज मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर शिवराज शर्मा सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बार इन्होंने इस मीटिंग को सदर जो इनकी मीटिंग होती है उसको जिले के रूप में दिया और जिले के सदर सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया और मैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस बैठक में आने का न्योता दिया और अपनी सभी बातों से मुझे अवगत कराया। मैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन को आज इसी बैठक के माध्यम से आश्वासन देना चाहूँगी कि उनकी जो भी मांगें हैं, जो भी इनकी उम्मीदें हैं, जो सरकार के प्रति हैं, जो नगर परिषद के प्रति हैं, मैं सरकार तक वो पहुंचाऊंगी और नगर परिषद अध्यक्षा के रूप में हमेशा इन वेलफेयर पेंशनर एसोसिएशन के बीच में रहकर इनके घर से संबंधित समस्या हो, चाहे इनकी मूलभूत जो भी समस्या होगी, इन सभी परिवारों के बीच में रहकर इन कोशिश करूंगी कि इनके घर में जाकर इनकी समस्याओं को सुनूं और इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाऊं। तो आज की इस बैठक में इनका दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगी।